हेलो एवरीवन, मैं हूँ जसकरण सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशनल राउंड कोड कोर्सेज 142 के ए बी सी और डी। जिसने भी अभी तक हमारा डिस्कॉर्ड चैनल नहीं ज्वाइन किया है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं हर कॉन्टेस्ट के बाद डेली कॉन्टेस्ट डिस्कशन करता हूँ, जस्ट कॉन्टेस्ट के बाद। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा गेमिंग फोर्सेस, इसमें कहा है कि मोनोकॉप जो है वो उसको एन मॉन्स्टर्स को मारना है और एक बार में या तो वो दो मॉन्स्टर को मार सकता है जिनकी हेल्थ 1 है या फिर किसी भी एक मॉन्स्टर को मार सकता है। तो इसमें बहुत ही आसान सी मैथ्स लग रही थी। अगर आप देखो देखो कि दो 1 हेल्थ वाले मॉन्स्टर्स को अगर मान लो कि दो मॉन्स्टर्स की हेल्थ कुछ ए ऑफ आई है और ए ऑफ जे है, अगर उन दोनों की हेल्थ ग्रेटर देन 1 है, ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन 1 एंड ए ऑफ जे इज ग्रेटर देन 1, तो उसको अगर देखा जाए, अगर उसको एक एक करके मारेगा तो दो मूव लगेंगे। और अगर मतलब जो जो कि दूसरा ऑपरेशन है, जो दूसरा ऑपरेशन है चूज अ सिंगल मॉन्स्टर एंड किल इट, उससे सिर्फ दो ही मूव लगेंगे। और फिर जो कि जो पहला ऑपरेशन है जो कहता है कि कोई भी दो मॉन्स्टर पकड़ो और उनकी एक हेल्थ एक से डिक्रीज कर दो, तो उससे क्या होगा, एक मूव में क्या होगा, ए ऑफ आई -1 हो जाएगा और ए ऑफ जे भी -1 बाय -1 हो जाएगा। अब ऐसा है कि अभी भी एक ग्रेटर देन माना दोनों, सॉरी ग्रेटर देन 0, अभी भी मरे नहीं है दो मॉन्स्टर, तो हमें दो मूव और एक मूव और लगेगा मारने के लिए, एटलीस्ट एक मूव और लगेगा। तो जब दो दो बार इनकी हेल्थ एक एक से कम होगी तब जाके ये दोनों मर सकते हैं, तब भी हमें पता नहीं है कि मरेंगे कि नहीं, क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 जितना भी हो सकता है, मतलब 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ये तो अगर सिर्फ 2-2 है तभी होगा ऐसा कि दो मूव में ये मर जाएंगे दूसरे ऑपरेशन से। तो हमेशा जो ऑप्टिमल है वो ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करना है, टू मूव वो सेकेंड ऑपरेशन आई गेस, हाँ सेकेंड ऑपरेशन अप्लाई करना ज्यादा बढ़िया अगर उनकी हेल्थ ग्रेटर देन 1 है। अगर इक्वल टू 1 है तो हमेशा दूसरा वाला ऑपरेशन ही लगाओ क्योंकि वो दोनों एक बार में मर जाएंगे। और अगर ऐसे कि आखिरी में एक मॉन्स्टर बच जाता है, अगर ऑड नंबर ऑफ मॉन्स्टर है और उसकी हेल्थ 1 है तो दूसरा ऑपरेशन ही लग सकता है, तो एक मूव और लग जाएगा। तो इसका सिंपल सिंपल सा आंसर ये है, जो भी ए आई 1 की इक्वल है उनके नंबर ऑफ होल निकाल लो। अगर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए ऑफ आई इक्वल टू 1 तो जो उसके लिए मूव लेंगे वो n बाय 2 है, फ्लोर ऑफ n बाय 2, फ्लोर या फ्लोर ऑफ n बाय 2। और इसके अलावा जितने भी मॉन्स्टर बचते हैं उतने मूव और लगाने पड़ेंगे, मतलब कि n माइनस फ्लोर ऑफ एन बाई टू इंटू टू, क्योंकि हर फ्लोर ऑफ एन बाई टू मूव में दो दो मॉन्स्टर मर रहे हैं तो इतने मॉन्स्टर बचेंगे, तो बाकियों के लिए एक एक मूव लगेगा टू किल अ सिंगल मॉन्स्टर। तो इतना प्लस ये विच इज इक्वल टू एन माइनस फ्लोर बाय टू, फ्लोर ऑफ एन बाय टू, इससे आंसर आ जाना चाहिए। तो मैं इसी को कोड कर देता हूँ, पहले कोड हटा देता हूँ। तो फ्लोर ऑफ एन बाय टू क्या होता है, वो सिंपली यही होता है एन बाय टू, अगर सी प्लस प्लस में देखा जाए तो ये फ्लोर ही दे देता है एन बाय टू। यही है क्या आंसर, एक बार हरी चेक करने दो। 4 -1 3 -, ठीक है आई गेस इससे आ जाना चाहिए। माय बैड, एंड ऑफ लाइन नहीं लगाया, माय बैड, ये एन बाय टू नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ पर जितने मॉन्स्टर मरे हैं, जितने मॉन्स्टर 1 की इक्वल है, माय बैड, एंड के इक्वल टू
जीरो, और जितनी बार ए ऑफ आई इक्वल टू वन होगा उतनी बार के ऐड होगा, और मुझे एन माइनस के करना है यहाँ पर। और यहां भी मैंने एक गलती कर दी थी, एन नंबर ऑफ ए आई इक्वल टू वन है, तो ये जो है ये टोटल नंबर ऑफ मॉन्स्टर्स को मैं एम ले लेता हूँ यहाँ पर, तो एम माइनस लोअर ऑफ एन बाई टू, तो यहाँ पर के बाई टू आएगा, 3 3 5। हाँ सही आंसर है। तो ये था पहले क्वेश्चन का लॉजिक। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्टैंड अप कॉमेडियन। हाँ इसमें क्या था, इसमें ऐसा है कि अगर जो पहले ए वन जोक्स है उनसे लाइक उन एलिस और बॉब को वो दोनों पसंद आएंगे, अगले ए टू जोक्स जो है वो एलिस को एक पसंद एलिस को पसंद आएगा लेकिन बॉब को नहीं आएगा, जो अगले ए थ्री जोक्स हैं वो बॉब को पसंद आएंगे एलिस को नहीं आएंगे, और जो ए फोर जोक्स है वो एलिस और वो दोनों को पसंद नहीं आएंगे। पर हमें ऐसा चाहिए कि एक बार भी ऐसा ना हो कि जितने जोक उनको पसंद है और जितने ना पसंद है वो जो ना पसंद वाले जोक है वो ज्यादा हो जाए किसी एक के लिए भी एलिस या बॉब में से, नीचे यही एक्सप्लेन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वही जोक्स यूज करेंगे जिन जो इनको अच्छे लगते हैं, क्योंकि उससे हमारा आंसर बेटर होने ही वाला है, क्योंकि बाद में नेगेटिव होता भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, पहले हम जितना पॉजिटिव हो सकते हैं उतना पॉजिटिव लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ए वन जोक्स ले लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें ए टू और ए थ्री वन बाय वन लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले ए टू लिया फिर ए थ्री लिया, उससे क्या होगा, जैसी मान लो कि ए टू लिया तो एलिस एलिस को अच्छा लगा लेकिन बॉब को नहीं, फिर ए थ्री लिया तो बॉब को अच्छा लगा लेकिन एलिस को नहीं, तो दोनों के जीरो जीरो हो जाएगा। मैं एक बार आपको समझा देता हूँ थोड़ा, ए वन के बाद क्या होगा, मैं एक वेरिएबल मान लेता हूँ एलिस के लिए एन, यानी कि इसने कितना लाइक किया, और दूसरा बॉब के लिए एम, दोनों इनिशियली जीरो होने वाले हैं। अब ऐसा है कि हम ए वन जोक्स दोनों को पसंद आ रहे हैं, ठीक है, तो एन इक्वल टू ए वन कॉमा एम इक्वल टू ए वन हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद मान लो कि मैंने उसके बाद मैं कुछ नंबर ऑफ जोक्स ए टू में से लूंगा, कुछ नंबर ऑफ जोक्स ए थ्री में से लूंगा, अगर मैं सारे ले लेता हूँ तो एन इक्वल टू ए वन प्लस ए टू हो जाएगा और एम इक्वल टू ए वन प्लस ए थ्री हो जाएगा। और मुझे ये चाहिए कि एन नेगेटिव ना हो और एम भी नेगेटिव ना हो, तो मैं पूरा हो सकता है कि एक मिनट, हाँ यहाँ पे ए टू माइनस ए थ्री होगा क्योंकि ए थ्री जो इसको पसंद नहीं आ रहे हैं, और यहाँ ए टू होगा, और मुझे ए टू और ए थ्री में से ऐसा लेना है कि ये दोनों नेगेटिव ना हो, लेकिन इससे पहले मेरे को ये सोचना है कि मैं ए टू और ए थ्री किस हिसाब से ले रहा हूँ। अब अगर मैं मान लो एक एक ए टू लेता हूँ तो क्या होता है, एक ए टू में क्या होगा, ए वन ऐड होगा और ए टू डिक्रीज होगा, सॉरी एम माइनस माइनस एन प्लस प्लस, ये दो मूव अगर मैं एक ए टू यूज करता हूँ तो ये होगा। अब मैंने उसी की जगह उसके बाद मैं क्या करूँगा, हो सकता है कि एम यही नेगेटिव हो जाए, तो मेरा आंसर सीधा मतलब जीरो देना पड़ेगा। चलो मान लेते हैं कि अभी पॉजिटिव है, अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और नेगेटिव ना हो, मतलब क्या पता ये वन हो, तो मैं ये चाहूंगा कि इसको इंक्रीज किया जाए, तो मैं ये मूव कर दूंगा दूसरा वाला ए टू यूज कर लूंगा एन माइनस माइनस एम प्लस प्लस, क्योंकि ये तो डेफिनेट है कि एन जीरो नहीं होने वाला है क्योंकि एन अभी ऐड हुआ था, मतलब एन एक्चुअली जीरो हो सकता है अगर ए वन जीरो होगा तब जीरो हो सकता है, बट हमारा इस मूव में फायदा ही है क्योंकि या तो एम जीरो हो जाएगा अगर होना होगा, अगर नहीं होगा तो फिर एन इस मूव में जीरो होगा या फिर पॉजिटिव ही रहेगा। तो अगर हम ये पूरे का समेशन लें तो क्या होता है, एन इक्वल टू ए वन आ जाता है फिर से, माय बैड, एम इक्वल टू ए वन आ जाता है, इससे मतलब एक्चुअली जीरो रहता है, दोनों मतलब चेन नहीं होता है, मतलब माय बैड, हाँ चेन नहीं होता है, तो जीरो से ज्यादा ही होंगे एन और एम की वैल्यू अगर हम ये दोनों मूव साथ में लगाएं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए सबसे ऑप्टिमल ये है कि ए टू और ए थ्री दोनों साथ में यूज करें। तो अब सिंपल सी बात ये है कि हमें ए टू और ए थ्री में से लेने कितने हैं, हम सबसे पहले मिनिमम ऑफ ए टू और ए थ्री है वो तो ले लेंगे क्योंकि दोनों साथ में हम लगा पाएंगे, ए टू और ए थ्री दोनों साथ में लगा पाएंगे, इतने नंबर ऑफ मूव हम ले लेंगे। उसके बाद हम जो भी बड़ा है मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए टू माइनस ए थ्री जितनी बचती है वो हम ये देखेंगे कि
जो वो A1 से ग्रेटर हो, A1 से ग्रेटर है कि नहीं है, क्योंकि जब हमने A2 मिनिमम ऑफ A2 को हमें A3 यूज किए तो N और M की वैल्यू A1 की A1 रही दोनों में। अब हम ये मतलब जो भी बच रहा है अगर वो लगाएं तो N या M में से कुछ तो डिक्रीज होगा उतने से, A2 माइनस A3 से, और दूसरा वाला बढ़ जाएगा। और A2 माइनस A3 अगर A1 से ज़्यादा हुआ तो हम सारे के सारे यूज़ नहीं कर पाएंगे। हम यूज़ कितने कर पाएंगे इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ A2 माइनस A3 इज ग्रेटर देन A1, तो हम कितने यूज़ कर पाएंगे? तो हम यूज़ कर पाएंगे एब्सोल्यूट सॉरी तो हम यूज़ कर पाएंगे A1 ही, एक्स्ट्रा A1, एल्स हम सारे के सारे यूज कर पाएंगे। और अगर हम सारे के सारे यूज कर पा रहे हैं, अब हम A4 पे जाएंगे। अब A4 की वैल्यू एक्चुअली क्या होगी? अब A2 माइनस ये सारे A2 और A3 सब कुछ यूज करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू बचती है N या M में से जो मिनिमम होगा उसकी वैल्यू आएगी ऐसी आएगी, A1 माइनस मिनिमम ऑफ A2 कॉमा A3 माइनस एब्सोल्यूट ऑफ A2 कॉमा A3, सॉरी मिनिमम ये वाला नहीं आएगा, हाँ इतना आएगा A2 माइनस A3, ये इसकी वैल्यू आएगी। अब जो A4 है अगर वो इससे ज्यादा है, इफ A4 जो है वो ग्रेटर देन दिस है, तो सीधा सीधा हमें पता है कि जितने भी ये वैल्यू है वो हमें और ऐड करनी पड़ेगी, सिर्फ उतने ही ऐड कर सकते हैं, ये पूरा नहीं ऐड कर सकते A4 का A4। तो हम ये वैल्यू ऐड कर देंगे A1 माइनस एब्सोल्यूट ऑफ A2 माइनस A3, एल्स हम पूरा का पूरा A4 ऐड कर पाएंगे। तो ये एक्चुअली आंसर प्लस इक्वल टू है, ये भी आंसर प्लस इक्वल टू है, ये भी आंसर प्लस इक्वल टू है, ये भी आंसर प्लस इक्वल टू है। अब एक चीज ध्यान देना कि उन्हें चाहिए वो कब तक वो स्टेज पर रह सकते हैं जब तक वो डिसलाइक ना करें। तो हमें एक्चुअली मोस्टली हर केस में 1 भी ऐड करना पड़ेगा, अनलेस ये वाला केस हो, क्योंकि इसमें उसके बाद तो कोई आ ही नहीं सकता है ना, मतलब उसके बाद कोई जो क्रैक नहीं कर सकता। बात यह है कि जब आखिरी जो क्रैक करे उसका टाइम बताना है, कितनी देर तक वो जो क्रैक क्रैक कर सकता है कि जिस पे डिसलाइक करेंगे। तो हम अगर तो यहाँ पे आ रहा है तो हम आंसर में कुछ ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो हम आंसर में ऐड कर देंगे, यहाँ पर आंसर प्लस प्लस भी हो जाएगा, हर केस में होगा एक्चुअली, यहाँ पे भी आंसर प्लस प्लस, यहाँ पे भी आंसर प्लस प्लस, ये सारे वो तो ऐसा है कि हाँ अब ये जो केस है ना ये किसमें आता है? इस वाले में, इफ एब्सोल्यूट A2 माइनस A3 इज ग्रेटर देन, उस वाले केस में ये वाला केस आता है, क्योंकि अगर ये ज्यादा है A1 से तो हम आगे भी जा सकते हैं। तो अब मैं आपको सिंपल से कोड कोड लिख के दिखा देता हूँ इसका, कोड एक्चुअली मैंने लिख रखा है, मैं वही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और आपको समझा देता हूँ। तो ये ABCD लिया मैंने, अगर तो A की वैल्यू 0 है तो मैं 1 ले लूंगा सीधा। ये केस अलग से क्यों लेना है मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर हम जो दूसरा केस ले रहे हैं else if B माइनस C, मतलब जो एब्सोल्यूट वैल्यू A2 और A3 की है वो अगर तो A से कम है तो हम सीधा ये ले लेंगे, A प्लस B प्लस C प्लस मिनिमम ऑफ A माइनस B माइनस C प्लस 1, क्यों किया है? क्योंकि जब तक वो उठता नहीं वो, और यहाँ बी और सी दोनों को ऐड किया क्योंकि इतने नंबर ऑफ जोक्स तो क्रैक हो ही रहे हैं, उसके अलावा जो हाँ उसके अलावा जो बच रहा है हमें उतने नंबर ऑफ जोक्स भी क्रैक करने, ए माइनस हाँ एक्चुअली ये वो फोर्थ वाला केस जो हमने डिस्कस किया था ना वो वाला है, जिसमें जो A4 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू दिस है जो एंड में बचता है। तो जितने भी जोक हो सकते हैं वो सब हम क्रैक कर लेंगे ए प्लस बी प्लस सी, और फिर जो जितना बच रहा है ये हमने डिस्कस किया ना यहाँ पर, जितना ये बच रहा है A1 माइनस एब्सोल्यूट ऑफ A2 माइनस A3 वो भी हम ऐड कर दे रहे हैं और प्लस 1 कर रहे हैं, क्योंकि हमें जब तक डिसलाइक नहीं करता तब तक लेना है, और मिनिमम ऑफ D कॉमा दिस लेना है क्योंकि D से ज्यादा जो क्रैक नहीं कर सकता लास्ट में। और ये जो एल्स वाला केस है इसमें बस हम
ए प्लस टू इंटू मिनिमम ऑफ बी कॉमा सी कर रहे हैं, क्योंकि जो भी मिनिमम होगा हम ए टू भी उतनी बार क्रैक करेंगे और ए थ्री भी उतनी बार ही क्रैक करेंगे, और जो एंड में जो जो बच रहा है, एक मिनट, मिनिमम ऑफ बी कॉमा सी प्लस ए प्लस वन, हाँ, तो एंड में हम वन भी ऐड कर दे रहे हैं क्योंकि वो डिसलाइक ना करे उसका। और अगर ए इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर ए इक्वल टू जीरो और हम एक भी मूव यहाँ पे कर रहे हैं तो वो सीधा डिसलाइक कर देगा। हम ऐसा नहीं कर सकते पहले ए टू किया फिर ए थ्री किया तो जीरो का जीरो बन रहा है, पर वो एक बार एक चीज माइनस वन हो जाएगी इसमें अगर ए जीरो हुआ तो। हम नहीं तो नॉर्मली अगर तुम आंसर देखोगे तो वो होगा एब्सोल्यूट ऑफ बी माइनस सॉरी मिनिमम ऑफ बी कॉमा सी प्लस वन, जबकि वो नहीं है, इस केस में सिर्फ वन ही आंसर होगा जब ए जीरो है, तो ये कैसे रख से देखना था। अब हम आते हैं प्रॉब्लम सी पर। ये काफी अच्छा प्रॉब्लम था। ये इस पे मेरी भी 2 बार रॉन्ग सबमिशन हुई, गलत लॉजिक सोचने की वजह से। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें दो नंबर उठाने हैं और उन्हें मिनिमम और जो मिनिमम और मैक्सिमम उन दोनों में से एक को सबसे पहले डालना है और एक को सबसे लास्ट में डालना है। तो इसका एक तो ऑब्जर्वेशन ये है कि हम हमेशा हमारा जो पेयर्स होंगे वो मतलब हमेशा फिक्स रहेंगे, मतलब 5 को हमेशा 1 के साथ ही ले सकते हैं, क्योंकि अगर 5 राइट मोस्ट में आ रहा है तो लेफ्ट 1 लेफ्ट मोस्ट में आना ही पड़ेगा, तो दोनों को साथ में लेना ही पड़ेगा। अगर 2 और 4 को ले रहे दोनों को साथ में लेना ही पड़ेगा, मतलब 2 को ले रहे तो 4 को ही लेना पड़ेगा साथ में, और कोई ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा है ना जब हम मूव कर रहे हैं तो दोनों एक कॉन्जुगेट पोजिशन बना रहे हैं जो कि फिक्स पोजिशन है, क्योंकि अगर उसके बाद बाहर बाहर एलिमेंट्स आएंगे तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों के राइट साइड और लेफ्ट साइड में आएंगे, तो दोनों दोनों की पोजीशन लेफ्ट लेफ्ट और राइट से सेम है, इस वजह से 2 और 4 जो है वो साथ में आएंगे, तो जो एन प्लस आई कॉमा एन प्लस वन माइनस आई दोनों साथ में आने वाले हैं दो एलिमेंट्स, तो बेसिकली एन कॉमा एन माइनस एन प्लस वन आई कॉमा एन प्लस वन माइनस आई दोनों साथ में आने वाले हैं चाहे जो मर्जी हो जाए। मतलब इन पे अगर मूव होगा तो साथ में होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब हमें ये देखना है किन किन पे मूव हो सकता है, किन किन पे होना चाहिए। अब ऐसा है कि अगर 1.5 पे मूव होगा तो वो लास्ट में होगा, अगर होगा तो लास्ट में होगा, क्योंकि लास्ट में क्यों होगा, क्योंकि हमें 1 और 5 एकदम लेफ्ट और राइट पे चाहिए, तो उनपे पहले मूव करें तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो अगर सबसे पहले मूव होगा तो किस पर होगा, बीच वाले एलिमेंट्स पर, है ना। अगर सबसे पहले मूव होगा तो बीच वाले एलिमेंट्स पर होगा, जैसे अगर एन 5 है तो 2.4 पर होगा, 3 पे तो करने की जरूरत नहीं है, तो 2.4 पर होगा, उसके बाद 1.5 पर होगा अगर होगा, अगर ये पहले से सॉर्टेड है तो किसी पर भी मूव नहीं होगा। अब हमें ये देखना कि मूव किस किस पर करना है, तो हमें बीच से शुरू करना है, बीच से देखना है कौन कौन अपनी सही पोजीशन मतलब सही सही पोजीशन पर रह सकता है। अब मैंने बहुत एक अच्छी ऑब्जर्वेशन ये लगाई थी कि जो सेंटर से शुरू करूंगा जो एलिमेंट्स ऑलरेडी सॉर्टेड है उनको नहीं छोड़ूंगा, जो अनसॉर्टेड है ना उनको ही मैं बार बार धकेलता रहूंगा। जैसे मान लो मैं एक परम्यूटेशन ली 1 5 7 3 4 6 2 ऐसी, तो इसमें मैं सबसे बीच वाला एलिमेंट कौन सा, 4 4 को तो देखना ही नहीं, ठीक है। मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ परम्यूटेशन को, यहाँ आया 5 यहाँ आया 6, हाँ तो 3 और 5 साथ में आएंगे ये तो पक्का है ना। अब अगर जैसे 4 से पहले 3 आ रहा है और 4 के बाद 5, मतलब ऐसा है कि 3 4 5 ऑलरेडी सॉर्टेड है, लेकिन उस अब 3 से पहले क्या आता है 2, और 2 के साथ क्या आएगा 6, लेकिन 2 और 6 उसमें सॉर्टेड नहीं है, मतलब 2 और 6 सॉर्टेड नहीं है, तो 2 और 6 पे तो मूव करना ही पड़ेगा। अगर हम 2 और 6 पे कर रहे हैं तो उनके बाहर वालों को भी करना पड़ेगा, क्योंकि 2 से कम वाला जो भी एलिमेंट होगा उसको उससे पहले आना पड़ेगा, तो 1.7 पे भी 1.1 मिनट यहाँ आएगा, हाँ 1.7 पे भी करना पड़ेगा। अगर मैं इसी को यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लो 7 लिख दिया,
तब भी हमें 1.7 पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम 2.6 पे एक बार कर रहे हैं, तो 2 यहाँ आएगा, 6 यहाँ आएगा, तो 1.7 पे करना ही पड़ेगा। तो हमें ये देखना है सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है जिस पे मूव करना पड़ेगा, जिन पे नहीं करना पड़ेगा उनको छोड़ ही दो। तो हम बीच से शुरू कर रहे हैं, सेंटर से स्टार्ट किया, अब देख रहे हैं कौन कौन ऑर्डर में, ऑलरेडी 3.5 ऑर्डर में, 2.6 नहीं है तो हमने इसका आंसर 2 होगा। अब इसकी जगह कुछ और ले लो, मान लो यहाँ पर मैं 2 ले लेता हूँ, यहाँ पर 6 ले लेता हूँ, यहाँ पर 3 ले लेता हूँ, और यहाँ पर 5 तो है ये, ठीक है। ओ कौन सा मिस हो गया, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, सब सही है। तो अब मैं क्या, अब मैं देख रहा हूँ कौन कौन सा सॉर्टेड है। 4 तो है ये सॉर्टेड, वो सबसे बीच के, और 3 और 5 वो भी है 3 4 5 के फॉर्म में। अब 2 और 6 नहीं है क्योंकि 3 के बाद आ रहा है 2, तो हमें 2 और 6 को चेंज करना पड़ेगा, फिर से आंसर 2 है। अगर मैं यहाँ पर क्या कर, एक मिनट, यहाँ पर अगर मैं कर देता ये 6 और 3, सॉरी 5 और 3, अब क्या है, अब 4 तो सॉर्टेड है, अब 3 और 5 मैंने देखा, 3 और 5 पे मूव करना पड़ेगा, उन पे मूव करना पड़ेगा, मतलब बाकी को भी करना पड़ेगा, तो आंसर 3 हो गया। तो इसका बहुत ही सिंपल सा कोड हो जाता है, वो भी मैं कॉपी पेस्ट करके समझा देता हूँ। थोड़ा लंबा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इनपुट ले रहा हूँ, फिर हर एलिमेंट का इंडेक्स स्टोर कर रहा हूँ, क्या क्या इंडेक्स है। ये मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर रखा है, मैं इसको थोड़ा इजी फॉर्म में लिख देता हूँ। मैं एक्चुअली बीच वाला एलिमेंट ले रहा हूँ, बीच वाला एलिमेंट क्या होता है, तो जो बीच वाला एक तो मैं सबसे पहले आंसर ले रहा हूँ n+1/2, जो कि नंबर ऑफ मूव्स हो सकते हैं। n+1/2 मैं ऑर्डर इवन के लिए अलग ही केस बना देता हूँ आपके लिए, क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है, मैंने सेम अपने ईज के लिए लिया था। अगर एन इवन है तो बीच वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, बीच वाले एलिमेंट्स होंगे n/2-1, यहाँ पर भी मैं हर एल बी ऑफ ए इक्वल टू आई कर देता हूँ, तो n/2 और n/2+1 होंगे, है ना, बीच वाले एलिमेंट। तो मैं एल ले रहा हूँ इंडेक्स ऑफ n/2, और आर ले रहा हूँ इंडेक्स ऑफ n/2-1, सॉरी +1। तो ये मेरे लेफ्ट और राइट इंडाइसेस हैं। इफ एल इज ग्रेटर देन आर, अगर पहला ही मतलब ग्रेटर देन आर हो गया, तो मैं सीधे रिटर्न कर देता। अभी तो मैं इंट, इसमें इंट आंसर भी लिख देता हूँ एक बार, इंट आंसर इक्वल टू n/2 सीधा, है ना। तो यहां मैं लिखा सी आउट आंसर कंटिन्यू, क्योंकि मेरे को अब आगे बढ़ना ही है। अब else वाली स्टेटमेंट पे जाते हैं, इफ एल इज लेस देन आर, तो अब मैं हर 1 by 1 हर एलिमेंट पे जाऊंगा, इंट आई इक्वल टू n/2-1 से, क्योंकि n/2 कवर हो गया तो n/2-1 से देखूंगा आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक। ये अब मैं ये देखू, अब मेरे को ये देखना है कि सॉर्टेड है कि नहीं। तो ऐसा है कि जो अगला एलिमेंट होगा उसका जो लेफ्ट वाला एलिमेंट होगा वो लेस देन इक्वल टू आर एल होना चाहिए, और जो राइट वाला होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू आर होना चाहिए। तो मैं वो कंपेयर कर लूंगा, इफ बी ऑफ आई इज लेस देन एल एंड बी ऑफ n-1+i, सॉरी n-i+1 इज ग्रेटर देन आर, तो मैं आंसर माइनस इक्वल टू 1 कर, माइनस माइनस कर दूंगा, नहीं तो मैं ब्रेक कर दूंगा, क्योंकि उसके बाद सारे चेंज करने ही पड़ेंगे। और एक और चीज, मैं यहाँ पर आंसर माइनस माइनस भी कर रहा हूँ, हाँ एक आंसर माइनस माइनस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पहले वाले के लिए भी तो एक मूव लगता है, और वो उस पर अगर हमें मूव नहीं लगाना पड़ रहा तो हम एक से माइनस कर देंगे इसके लिए, एल और आर के लिए। तो ये दोनों का केस हो गया, यहाँ पर सी आउट आंस एंडल कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। अब अगर एन ऑड है तो मोस्टली कोड सेम रहेगा, बस क्या फर्क आएगा, यहाँ पर, यहाँ पे जो बीच का एलिमेंट होता है वो एक्चुअली
मतलब एक ही होता है जो कि एन बाय टू के इक्वल नहीं होता है, एन एन प्लस वन बाय टू के इक्वल होता है। और अगर इसमें देखा जाए आंसर की वैल्यू क्या होगी, आंसर की वैल्यू हो तो अभी एन बाय टू ही होगी क्योंकि मैक्सिमम एन बाय टू हो सकता है, बीच वाले एलिमेंट को हिलाने नहीं आवे। तो यहाँ अगर देखा जाए एन प्लस वन बाय टू, तो एन प्लस वन बाय, हाँ यहाँ पर भी एन प्लस वन बाय टू आएगा, मतलब एल और आर की वैल्यू सेम होगी क्योंकि बीच वाले एलिमेंट का जो इंडेक्स होता है वो सेम ही है। तो यहाँ एल ग्रेटर देन आर की नॉर्मल ही नहीं आएगी, तो फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। और यहाँ पर आंसर माइनस माइनस नहीं करना है क्योंकि हमने इसके मूव काउंट ही नहीं किए, बीच वाले एलिमेंट के मूव ही नहीं काउंट किए, तो यहाँ आंसर माइनस माइनस नहीं करना है। बाकी सारा कोड आई गेस सेम ही रहेगा, यहाँ पर एक चेंज कर देता हूँ, एन प्लस वन बाय टू कर देता हूँ। अब आंसर चेक कर लेता हूँ मैं। टू जीरो वन थ्री सही आंसर है। तो ये था इसका कोड। अब क्वेश्चन डी पे आते हैं। इस पे दे रखा है एन एन अरेज है, एमएम साइज, एम साइज के एन अरेज एम साइज के हैं और कुछ ना कुछ परम्यूटेशन है, एन डिफरेंट परम्यूटेशन है। तो इसमें क्या करना था, हमें इसमें ये निकालना था कि हर पॉसिबल पेयर के लिए इसकी वैल्यू क्या है, मतलब ब्यूटी क्या है। तो इसका एक्चुअली अगर आप देखोगे, मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। मान लो कुछ रैंडम परम्यूटेशन है, वन थ्री ऐसा कुछ परम्यूटेशन है। अब अगर आप देखोगे जो अगर हमें चाहिए इसकी एक अरे की ब्यूटी चाहिए, तो वो है किसी ए ऑफ आई, अगर हम लें पी कॉमा क्यू, अगर हमें पी की ब्यूटी चाहिए क्यू से, तो पी का जो जेथ इंडेक्स है क्यू का वो इंडेक्स लेना है। इसका मतलब क्या है, जो जो हमारा ये वाला अरे है, अगर इसकी किसी और अरे से ब्यूटी चाहिए, तो इसका अगर मान लो फर्स्ट इंडेक्स है, तो जो सेकेंड अरे है उस मान लो वो अरे ए है, तो हमें ए ऑफ टू चाहिए। तो उसकी जो जो नया अरे बनेगा के ऑफ वन इक्वल टू ए ऑफ टू, के ऑफ टू इक्वल टू ए ऑफ फोर, और हमें चाहिए कि ये इसकी ब्यूटी ज्यादा ज्यादा हो, तो मतलब ये वन होना चाहिए, ये टू होना चाहिए, अगर हमें ब्यूटी ज्यादा बढ़ानी है। तो हमें सिंपली हमें क्या चाहिए कि हमें एक परम्यूटेशन मिल जाए जिसका ए ऑफ टू वन हो, ए ऑफ फोर टू हो, ए ऑफ फोर टू हो, ए ऑफ फाइव थ्री हो, ए ऑफ सिक्स, ए ऑफ वन हाँ ए ऑफ वन फोर हो और ए ऑफ फाइव थ्री हो, ए ऑफ थ्री फाइव हो। हाँ हमें ये सब चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए मतलब हमें कि डायरेक्टली मिल जाए ये सब, तो हम हैशिंग कर सकते हैं। मैंने तो हैशिंग से किया, मैप में स्टोर कर सकते हैं। और मैप में क्या स्टोर कर सकते हैं, मैप में ये स्टोर कर सकते हैं कि किसी भी अरे की अगर किसी भी अरे की जो वैल्यू वन है उसका इंडेक्स क्या है। मान लो एक और अरे है क्यू, मतलब ये जो ए अरे है वो मान लेते हैं कुछ है वन फाइव फोर थ्री टू ऐसा है, तो वन का क्या इंडेक्स है, यहाँ पे वन का इंडेक्स है वन, फिर टू का क्या इंडेक्स है, टू का है फाइव, थ्री का है फोर, फोर का है थ्री और फाइव का है टू। तो एक्चुअली हमें ये देखना है कि इस वेक्टर और इस वेक्टर में कितने कॉमन है स्टार्टिंग से लेकर। इसमें तो जीरो है, तो इसमें ब्यूटी जीरो आने वाली है। अगर हम मैप में वन बाय वन पार्ट ऑफ वेक्टर स्टोर करें ब्यूटी निकालने के लिए, हम सबसे पहले बस ये चेक कर रहे हैं कि फर्स्ट इंडेक्स पे फर्स्ट इंडेक्स तक सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, तो हम एक मैप में स्टोर कर लेंगे वेक्टर ये वन प्लस प्लस, फिर अगले अगले वेक्टर स्टोर कर लेंगे वन कॉमा फाइव प्लस प्लस, वन कॉमा फाइव कॉमा फोर, ऐसे करते करते हम सारे वेक्टर स्टोर कर लेंगे इसमें। और कितने वेक्टर हो सकते हैं, मैक्सिमम एम वेक्टर्स हो सकते हैं किसी भी एक अरे के लिए। तो मैप में कितना टोटल कितना स्टोर हो रहा है, एन इंटू एम चीजें स्टोर हो रही है एक मैप में। और हमें मतलब ये सारे वेक्टर स्टोर हो रहे हैं, तो अगर हमें किसी अरे ए के लिए चेक करना है, अगर इसके लिए चेक कर रहे हैं, तो
हमें देखना है मैप में एम ऑफ मतलब इतना वेक्टर है कि नहीं। अगर इतना है तो आंसर हमारा 1 से बढ़ जाएगा, ब्यूटी 0 थी अभी 1 हो जाएगी। अगर इतना वेक्टर 2.4 मिल जाता है तो ब्यूटी 2 हो जाएगी, 2.4.5 मिल जाता है ब्यूटी 3 हो जाएगी, ये मिल जाता है ब्यूटी 4 हो जाएगी, और ये मिल जाता है ब्यूटी 5 हो जाएगी। तो हम आइट्रेट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो जाने वाली है वो जाने वाली है एन स्क्वायर एम, एन एन इंटू एन स्क्वायर। एक मिनट क्लेरिफाई कर लूँ। हाँ तो एन इंटू एन स्क्वायर जाने वाली है, क्योंकि साइज 10 है और ऐसे 10 वेक्टर होंगे तो मैप में भी बस उतनी बार चेक करना है। शायद एन क्यूब चली जाएगी, एम इंटू एन क्यूब, और लॉग कुछ लॉग एम का फैक्टर आ जाएगा। इसको और ऑप्टिमाइज करने के लिए हम सीधा बाइनरी सर्च भी लगा सकते हैं, क्योंकि बाइनरी सर्च ऑन दिस, क्योंकि अगर इतना पार्ट है तो उससे कम वाले भी होंगे ही होंगे। तो अगर मैं सिर्फ बाइनरी सर्च से मान लो यहाँ तक वेक्टर चेक करता हूँ, अगर ये है तो ये वाले भी होंगे ही होंगे, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अगर नहीं है तो मैं पीछे देखूंगा। तो मैंने तो बिना बाइनरी सर्च के किया था, मैं कोड कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूँ। हाँ तो सबसे पहले मैंने मैप में भी एक्चुअली अरे ऑफ मैप बनाया। अरे ऑफ मैप क्या है, एन स्टोर कर रहा है कि वेक्टर का साइज क्या है, और मैप के अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ वेक्टर, मतलब की मेरी वेक्टर है और वेक्टर का साइज क्या है ये स्टोर कर रहा है। तो मैंने सबसे पहले एक पर सारे 1 बाय 1 एम सी से, एक्चुअली मेरा एम और एन इन्वर्टेड है, तो डू माइंड दैट। मेरे एम है नंबर ऑफ अरेज और एन है साइज ऑफ एन अरे। तो मैं यहाँ पर हर एलिमेंट का एक इंडेक्स ले रहा हूँ और एक वेक्टर ले रहा हूँ जो स्टोर करेगा अभी तक का कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो मैंने ये स्टोर किया 1 बाय 1 बी ऑफ जे स्टोर किया, और साथ के साथ मैं जे माइनस, एक्चुअली जे 1 से एन जा रहा है तो जे-1 वाले साइज वाले वेक्टर में ये पुश बैक कर रहा हूँ वी। पुश बैक में मतलब एक तरह से मैप में डाल रहा हूँ वी। उसके बाद मैं 1 बाय 1 सारे रेज पे चेक कर रहा हूँ, एम रेज है तो एम पे चेक कर रहा हूँ एक वेक्टर बनाकर, और 1 बाय 1 एलिमेंट्स पुश बैक करते जा रहा हूँ और चेक करते जा रहा हूँ कि मैप में है या नहीं। अगर है तो मैं आंसर बढ़ा दूंगा, नहीं तो ब्रेक ब्रेक कर दूंगा और एंड में आंसर सी आउट कर दूंगा। तो ये बिल्कुल सही से काम करता है कोड। तो ये थे चारों चारों के सॉल्यूशन ए बी सी और डी। अगर आपको मेरा डेली डिस्कशन ज्वाइन करना है कॉन्टेस्ट का, आप डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं हर कॉन्टेस्ट के बाद डिस्कशन करता हूँ एक जूम मीट पर। तो थैंक यू।